हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम डॉक्टर खुशी साहू एंड हम लोग अर्थतंत्र के टॉपिक्स कवर कर रहे थे जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। और करेक्ट वे टू स्टडी अर्थतंत्र, व्यवहार, आयुर्वेद और ऑल भी सब सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल है। आप BMS थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स के बनाई हुई हूँ। तो अराउंड दिसंबर जनवरी तक आपके एग्जाम हो जाएगी, उसके पहले आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि किन किन टॉपिक्स पर आपको और वीडियोस चाहिए है, ताकि मैं भी अपने एग्जाम से पहले इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके और फ्री हो जाऊँ। उसके बाद आई एम सो बिजी, तो शायद फिर मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। इसलिए आप अभी से इन सब चीज़ों में लग जाओ और मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। पुरानी ईयर्स 5 से 6 साल के वीडियोज भी अवेलेबल हैं सॉल्यूशन, तो वहाँ से उनको भी आप कवर कर सकते हो अभी से। बात के लिए कुछ ना छोड़े, तभी स्कोरिंग बहुत अच्छी हो सकती है। आज हम देखेंगे प्राचीन काल में विष प्रयोग एवं उसका प्रतिकार। यानी पहले के समय में जो राजाओं का सिस्टम चलता था, उसपे बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता था विष प्रयोग आदि से। तो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं मास किलिंग। तो ये मास किलिंग किस तरीके से होती थी, क्या क्या इसकी मेथड्स थी और उसका प्रतिकार या चिकित्सा कैसे की जाती थी, वो हम देखेंगे। तो आप बोलोगे क्या बकवास टॉपिक है, बट ये सिलेबस में दिया हुआ है और ज्यादा मार्क्स के लिए आ भी सकता है। तो एक बार हम स्टोरी की तरह इसको कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हम देखेंगे प्राचीन काल में विष प्रयोग एवं उसका प्रतिकार। तो प्राचीन काल में मुख्यतः राजतंत्र का प्रचलन था, राजा वगैरह भी थे, जो कि आज भी हम हमारे प्राइम मिनिस्टर, CM इन सबसे कंपेयर कर सकते हैं। तो समस्त का केंद्र बिंदु राजा होता था। आज भी यदि कहीं पर कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन जा रहा है, तो उसके लिए बहुत सारी सिक्योरिटी होती है। उसे मारने की यहाँ पर निम्न युक्तियां प्रयोग की जाती थी, जैसे विषकन्या का प्रयोग, जो कि हम पिछले टॉपिक में देख चुके हैं। उसकी सेवा करने वाले नौकर चाकर और विषयुक्त आहार के द्वारा मारा जा सकता था। तो आज भी ये सब चीजें प्रचलित है। तो बहुत चेकिंग के बाद ही किसी बड़े व्यक्ति को सभा वगैरह में उतारा जाता है। इस प्रकार इसके लिए निम्न परीक्षाएं राजा को करनी चाहिए। आर विहार से संबंधित नौकर की परीक्षा करनी चाहिए कि नौकर अपने हित में है या नहीं। विषदाता व्यक्तियों की पहचान, जो कि हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, आता है। भोजन से पहले अन्न परीक्षा, ये भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और अनजान कन्या की परीक्षा। अब और किस प्रकार से विष दिया जाता था, तो जनता और सैनिकों पर विष प्रयोग। ये टॉपिक थोड़ा क्लियर नहीं है, मतलब नोट्स क्लियर नहीं है, बट इसको आप समझ सकते हैं कि शत्रु सेना या राज्य में सामूहिक रूप से क्षय कुष्ठ फैलाने के लिए, उन्हें अंधा मूक बधिर बनाने के लिए वायु, जलाशय आदि में विष डाल दिया जाता था। जब ये जल दूषित हो जाता था, तो जो दूषित जल का पान करने के बाद, जैसे कहीं पर भी बोल सकते हैं हम युद्ध चल रहा है, तो उसके आसपास के जलाशयों में विष को डाल दिया या वायु में विष को फैला दिया, ताकि वहां के जो सैनिक है या जनता है वो उस विषैले पानी को पी लें और फिर वहां पर उनकी डेथ हो जाए या उनको किसी प्रकार के ऐसे सिम्टम्स दिखने लगे जिससे वो आगे युद्ध ना कर पाए। तो ऐसा प्रयोग किया जाता था। दूषित जल पिच्छिल उग्र गंधी रेखा युक्त रहता है, इसमें रहने वाले जंतु मर जाते हैं व पक्षी मतवाले होकर उड़ते हैं। जो भी जंतु होंगे वो मर जाएंगे, पक्षी आदि भी पान करेंगे तो उनको भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। स्नान करने से मनुष्य व जीव जंतु आदि वमन, मोह, ज्वर, दाह, शोक ग्रस्त हो जाते हैं। इसकी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, तो अश्वकर्ण, विजयसार, पारिभद्र, निर्गुंडी, अमलतास, खदीर की छाल जलाकर इनकी ठंडी राख को पानी पर छिड़क लें या पीने के लिए एक घड़े में इस राख की एक अंजलि डाल दें। यानी इन सब की राख रखी जाती थी, ये प्यूरिफिकेशन का काम करती थी। विष नीचे बैठ जाएगा और आपको प्योर वाटर ऊपर मिलेगा, तो ऐसा प्रयोग किया जाता था। थर्ड है भूमि में विष का प्रयोग। अब भूमि में विष डाल दिया जाता था कैसे, तो इस प्रकार दूषित भूमि से भी इसके संपर्क में आने वाले मनुष्य, जीव जंतु आदि विषाक्त हो जाते हैं। लक्षण, सामान्यतः जिस जीव जंतु व मनुष्य इत्यादि का अंग प्रत्यंग उस दूषित भूमि से संपर्क में आया है, उस अंग में शोथ यानी इन्फ्लामेशन, दाह आदि उत्पन्न होगा, वहां की रोम और नाखून गिर जाएंगे। यानी भूमि में विष को फैला दिया, कोई भी व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आएगा तो उस अंग में शोथ, दाह होगा, वहां के जो बाल वगैरह है, नाखून, वो गिर जाएंगे। इसकी चिकित्सा के लिए सारिवा को एलादी गण में मिलाकर, औषधियों को सुरा में मिलाकर, समान मात्रा में काली मिट्टी व दुग्ध मिलाकर उस भूमि पर उसका छिड़काव किया जाता था। यानी सारिवा, एलादी गण, सुरा, ये सबको काली मिट्टी में मिलाकर उस भूमि में
छिड़काव करते थे, विडंग पाठा पराजिता की क्वाथ से परिक्षेप और छिड़काव करना पड़ता था। फिर अन्न में विष प्रयोग यदि कर दिया गया तो इसी प्रकार भोज्य पदार्थों में विष मिला दिया जाता था तो उसके भी अलग लक्षण मिलते थे। जैसे कि सामान्यतः मनुष्य की शारीरिक स्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के लक्षण मिलते हैं, जैसे मनुष्य का अंग शिथिल पड़ जाएगा, मूर्छा इत्यादि होगी, क्रमशः वमन अतिसार से ग्रसित व्यक्ति अंततः मृत्यु को प्राप्त करता है। इसकी चिकित्सा कैसे की जाती थी? तो चांदी, सोना, पारा, सारिवा को समान भाग कुंदरू के साथ कपिल वर्ण की गाय के पित्त में मिलाकर वाद्य यंत्र पर लेप करके बजाना चाहिए, क्योंकि वाद्य यंत्रों से घोर विष प्रभाव भी नष्ट हो जाता है। यानी चांदी, सोना, पारा यानी मरकरी, सारिवा, इनका लेप बनाते थे और इनको वाद्य यंत्र जो बड़े बड़े ढोल नगाड़े आदि में मिलाकर फिर बजाया जाता था, तो उससे विष का प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाता था, ऐसा पहले बताया गया है। नेक्स्ट है वायुमंडल में विष प्रयोग। तो सामान्यतः देश के सभी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अनेक प्रकारों के दूषित जैसे गैस, जैसे कार्बन, धूल इत्यादि का लेवल खतरनाक मानकों को भी प्रतिदिन के स्तर से पार कर चुका रहता है, जिसके प्रयोग से मनुष्य, जीव जंतु आदि ग्रसित होते हैं। तो ये तो आज के समय में भी देखा जाता है, इतनी ज्यादा जैसे हमारे व्हीकल्स वगैरह से जो भी विषैली गैस निकल रही है, जैसे दिल्ली वगैरह में हम देखते हैं तो वहां का जो भी ऑक्सीजन का लेवल है या जो भी हमारी वायु वगैरह है वो बहुत ज्यादा दूषित होती है, तो वो भी एक प्रकार से विष का के समान हमें हानिकारक होती है, उससे धीरे धीरे लंग्स आदि जो है वो ग्रसित हो जाते हैं। तो ये तो आज भी देखने को मिल रहा है। इसके लक्षण क्या मिलेंगे हमें? इस प्रकार दूषित वायुमंडल में रहने वाले मनुष्य अनेकों व्याधियों से ग्रसित हो जाते हैं, जिसमें मुख्यतः कास, श्वास, प्रतिक्षाएं, अल्प कार्य करने पर भी अधिक थका महसूस करना क्रमशः शरीर में क्षय की स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो लाख, हल्दी, तमाल पत्र, तगर, कुष्ठ, प्रियंगु इत्यादि औषधियों को जलाकर उसके धुएं से वायुमंडल को शुद्ध करना चाहिए। देन विषाक्त शस्त्र से भेदन। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि एरो पॉइजनिंग वगैरह का यूज किया जाता था, तो विषाक्त शस्त्र से यदि भेदन होने पर झाग से युक्त वमन हो सकता है, संज्ञानाश, हाथ पैर नख आदि का काला पड़ना, नाक का बैठ जाना, अंगों का टूटने लगना और संधियों का शिथिल हो जाना, ये लक्षण मिलते हैं। इसकी चिकित्सा में रोगी को विष सेवन चिकित्सा के अनुसार करनी चाहिए। व्रण की चिकित्सा विषाक्त व्रण चिकित्सा के समान करनी चाहिए। तो पहले किस तरीके से विष का प्रयोग किया जाता था मास किलिंग के लिए, उसमें हमने जनता और सैनिकों पर विष प्रयोग यानी जलाशय आदि में, भूमि पर, अन्न में विष प्रयोग, फिर वायुमंडल में विष प्रयोग और विषाक्त शस्त्र से भेदन, ये सारे टॉपिक्स पढ़े। बस आपको पॉइंट्स याद रखने हैं ताकि यदि धोखे से क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सको, क्योंकि एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो आ भी सकता है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर्टिस्ट लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियो।